हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी के टिवाड़िया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है मेरा टोमेटो का प्लांट। ये देखिए काफ़ी लंबा प्लांट है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारे प्लांट जो हैं फ्रेंड्स, ये मैंने अपने जो घर के टमाटर होते हैं फ्रेश, वहाँ उस सीड से मैंने इनको ग्रो किया था। तो आप सब भी इस टाइम भी टमाटर वगैरह ग्रो कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्लांट तो ऐसे हैं टमाटर के जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जिनको मैंने ग्रो नहीं किया है। जैसे कि ये वाला प्लांट, ये देखिए कितने छोटे से एक मटकी में लगा हुआ है टोमेटो, और हेल्दी प्लांट है। आप देखिए इसको, क्लियर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, ज़रा सा भी गड़बड़ी नहीं है इसमें। और यहाँ पर देखिए फिंगर के पास फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पीछे भी देखिए। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं मेरे गार्डन में जो मैंने नहीं लगाए हैं, बट अपने आप ग्रो हो चुके हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ रखा है जो मेरा रोज़ का प्लांट है ना फ्रेंड्स, उसी के पॉट में अपने आप ग्रो हो चुका है। और ये भी बिन बुलाए मेहमान है, मैंने नहीं लगाया है इसे। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है मेरा, लगभग 50 इंच का होगा ये लंबाई में, हाइट में। और देखिए मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा चुकी हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है इस पॉट में कि इसमें ग्रो नहीं हो रहा है। सामने देखिए टैग लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कैरेट लगाई थी मैंने, और मैंने इसमें पोटैटो लगाया था। तो देखिए पोटैटो तो ग्रो हो चुका है, बट बाकी सारी चीज़ें नहीं ग्रो हो रही हैं, कुछ भी नहीं ग्रो हो रहा है। तो फिर मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, ये देखिए यहाँ पर कटिंग लगाई हुई है। और मैंने लास्ट आई थिंक 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है, 2 दिन पहले मैंने इसमें खाद और मिट्टी ऐड की थी। उसके बाद थोड़े से सीड भी डाले थे कि कुछ ग्रो हो जाए, उसके बाद भी कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ, देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट क्या कर रही हूँ कि मैंने आपको दिखाया अभी टोमेटो के प्लांट्स, तो वो मैंने लगाए हैं सभी के सभी 12 इंच के पॉट में। तो देखिए 50 इंच के पॉट में अगर मैं टोमेटो लगाऊंगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा, कितने बड़े टोमेटो आएंगे और प्लांट कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना हेल्दी होगा, मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं ये लगा लूँगी। चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी मैंने अभी तक अपने गार्डन में ग्रो नहीं की है, काफ़ी पहले ग्रो की थी फ्रेंड्स, तो आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे जब ग्रो की थी, तो नहीं चली थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मैं बीच में भूल ही गई गोभी लगाना। तो देखिए इस टाइम भी आप गोभी ग्रो कर सकते हो, मटर ग्रो कर सकते हो, टमाटर ग्रो कर सकते हो, जो मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ वो सब आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4-5 सब्जियाँ ऐसी हैं जिनको अभी भी हम ग्रो करके देख सकते हैं, तो उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं आज दोनों चीज़ों को एक ही पॉट में ग्रो करने वाली हूँ। फूल गोभी के लिए आपको बड़ा सा पॉट लेना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको 12 इंच से बड़ा पॉट लेना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं इसमें कुछ मटर के दाने भी डाल दूंगी, फ्रेश मटर हैं ये, ठीक है, सीड नहीं है। जो घर की चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, उनसे भी आप कोशिश किया कीजिए, कुछ ना कुछ तो ग्रो हो ही जाएगा। तो देखिए मटर जो है वो बेल की तरह जाती है, ठीक है, आपको पता ही है बेल की तरह चढ़ती है, बढ़ती है, और फूल गोभी जो है वो फूल की तरह खिलती है। तो एक साइड में हम मटर लगा देंगे और एक तरफ हम गोभी लगा देंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इन दोनों का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पॉट जो चूज़ किया है ये पॉट है, और ये मुझे लगता है 15 इंच का है, ठीक है। पुरानी बकेट है मेरी, नीचे मैंने होल कर लिए हैं इसमें बहुत सारे। और मिट्टी का रेशियो देखिए फ्रेंड्स, विंटर की सब्जियां हैं तो आपको उसमें मिट्टी का रेशियो 50% रखना है, ठीक है। 50% मिट्टी रख लीजिए, 10% उसमें रिवर सैंड मिला लीजिए 10 या 15% के करीब, और बाकी हिस्सा अपना खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट गोबर की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, और ऊपर से मैं इसमें और क्या चीज़ डालूँगी वो भी आपको बता देती हूँ, पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वेदर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, और आज धूप वूप भी नहीं निकली है। ये देखिए, ये मैंने डाला है अपना एप्सम सॉल्ट, और ये है मेरी सरसों की खली, ये देखिए नीम की खली, सरसों की खली, आप कुछ भी डाल सकते हो या दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हो। 1/2 स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी फंगी पाउडर। फंगी पाउडर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी में या किसी भी चीज़ में अगर हमारा फंगस हो तो वो हमारे सीड को ना ख़राब कर दे, इसलिए डालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, फूल वाली सब्जी है, ठीक है, तो उसमें आपको कम से कम 7-8 दाने DAP के डालने ही पड़ेंगे, DAP NPK। DAP का ऐसा है, आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, NPK जो होता है उसको भी अपनी मर्जी से आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं सारी चीज़ें डाल ही लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा आया NPK 1/2 स्पून के करीब, 19-19-19 वाला जो होता है ना फ्रेंड्स, मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से मिक्स करके, और मैं इसे अपने पॉट में भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसका रेशियो वही रखना जो मैंने आपको बताया है,
ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि कंपोस्ट करूँ, तो जो हमारा पॉट है ना उसके नीचे आप कंपोस्ट वाली चीज़ें भर दो, जो भी आपको कंपोस्टिंग करनी है, और ऊपर ये मिट्टी फिल कर देना। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपको नीले कलर का पॉट दिखाया था उसमें मेरा नीचे की तरफ आधे से ज़्यादा कंपोस्ट वाला सामान ही भरा है, ऊपर से मैंने मिट्टी डाली है और बस मैं अपने प्लांट लगा देती हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं फटाफट मिट्टी भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पॉट में मिट्टी अच्छे से फिल कर ली है, और देखिए मैं किनारे किनारे, ठीक है, किनारे किनारे मैं मटर लगाऊंगी, क्योंकि हमारे बीच में फूलगोभी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, साइड में लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो देखिए मटर भी मैं चारों तरफ नहीं लगाऊंगी, ठीक है, एक तरफ लगाऊंगी, क्योंकि अगर बेल निकलेगी ना तो मैं एक ही तरफ उसको चला दूंगी। ठीक है, ये देखिए पास पास भी लगा सकते हो, दूर भी लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मटर मैं सिर्फ इसी पॉट में लगा रही हूँ, और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया वहाँ लगाया है, और एक मटर अपने आप ही निकला हुआ है, मैंने किसी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए मटर के दाने जो हैं फ्रेंड्स वो थोड़े मोटे हैं, तो उनके ऊपर मिट्टी की लेयर आप थोड़ी सी ज़्यादा मोटी बनाना। आप उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की भी लेयर बना सकते हो, गोबर की खाद की भी लेयर बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देख लिया आपने, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसमें साइड की तरफ अपना गोभी के सीड लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक गोभी का सीड लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो आपको 5 से 6 सीड लगाने पड़ेंगे, बाद में आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो। तो देखिए लेट वेट तो कुछ होता नहीं है, मैं तो किसी भी टाइम कुछ भी ग्रो कर देती हूँ। तो देखिए ये होते हैं हमारे गोभी के सीड, बिल्कुल सरसों के दाने जैसे होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, उनसे भी छोटे होते हैं आई थिंक, ये देख लीजिए आपको क्लियर दिख रहा है, उनसे छोटे ही होते हैं। तो देखिए उस तरफ हमने वो लगाया है, तो इस तरफ हम अपने दाने बिखेर देते हैं। ये देखिए बस सिंपली ऐसे, ये देखिए लास्ट वाला यहाँ सेंटर में डाल देते हैं, ठीक है, और इसके बाद मिट्टी की लेयर हम बना देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों सब्जी ऐसी हैं जो सभी को पसंद है। तो जब ये ग्रो हो जाएंगी, सीड निकल जाएंगे, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरफ ध्यान देना, ज़्यादा खाद वगैरह की तरफ इतना ध्यान मत देना। लिक्विड फर्टिलाइज़र दोगे तो बेस्ट रहेगा, तो एसिडिक सॉइल जैसी होती है ना, वैसी किसी भी फूल को, फ्लावरिंग प्लांट को पसंद होती है। तो ये जो फूल गोभी है और हमारे मटर हैं, तो इनको थोड़ा सा आप एसिडिक सॉइल दोगे ना, तो उससे इनको फ्लावर लाने में हेल्प होती है। तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आप इस टाइम संतरे जो आ रहे हैं, संतरे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो, मौसमी के छिलके का फर्टिलाइज़र बना सकते हो, नींबू के छिलके का बना सकते हो, नींबू का अचार तो सभी बनाते हैं, आंवले का अचार सभी बनाते हैं, उसको 1-2 दिन वाटर में सोख करके और उस वाटर को अपने गार्डन में यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बातें बहुत सारी हो गई हैं, आप वाटरिंग कर देते हैं। तो वाटरिंग के लिए आप स्प्रे बोतल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही मग से डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम वाटरिंग जब हम करते हैं ना, बहुत अच्छे से करते हैं। मैं पानी ले लेती हूँ, काफ़ी दूर रखा है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, हमारे जितने भी मिट्टी है ना वो नीचे तक ग्रो हो, सॉरी गीली हो जानी चाहिए, मैं ग्रो बोल रही हूँ। देखिए वाटरिंग करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे ना कोई सीड ऊपर आ गया है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बना दो, ठीक है, तो वो नीचे चला जाएगा दोबारा से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको बिल्कुल छत पर रख देंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसे किसी ढक्कन वगैरह से या फिर किसी पॉली बैग से इसको कवर कर दोगे ना, तो सीड जो हमने लगाया ना वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब सीड ग्रो हो जाएंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, और अगर कोई खाद देना चाहता है तो 1-1 हफ्ते का गैप देकर 1-1 मुट्ठी कोई भी खाद दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट गोबर की खाद, जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्लांट पे किसी पेट्स का अटैक हो चुका है, किसी कीड़े मकोड़े का अटैक हो चुका है, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें गोभी और मटर के बारे में होती हैं और वो मैं भूल गई हूँ बताना, तो आप कॉमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ लेना मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मिट्टी हमने कितनी अच्छी बनाई है, देख रहे हो आप, पानी धीरे धीरे नीचे जा चुका है। ओके फ्रेंड्स।